हेलो गाइस, आप सब कैसे? आई होप कि आप लोग सब बढ़िया हैं और बढ़िया रहेंगे। तो मैं हूँ सपोर्ट महमूद और आपको नई वीडियो में ले चलता हूँ फिर से एक बार। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के, जिसमें ये आपको सिखाऊंगा फ्री फायर का गेस्ट आईडी कैसे डिलीट करें, कैसे डिलीट करें। जैसे सपोज किसी वक्त या किसी टाइम आपको डिलीट करने की नीड पड़ जाए या ज़रूरत पड़ जाए तो आप किस तरह से डिलीट करें। तो मैं ले चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे डिलीट होता है, आईडी को क्या करना पड़ता है। सबसे पहले जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरी 7 लेवल की आईडी है जो गेस्ट आईडी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस आईडी को डिलीट कर दूँ। डिलीट करने के बाद में हो सकता है कुछ भी, कभी भी आपका मूड ख़राब हो गया या कुछ भी हो, इसको आप सोचे कि नहीं मेरे को डिलीट करना है और मुझे ये आईडी नहीं चाहिए, मेरे को दूसरा चाहिए, फिर से गेस्ट आईडी बनाए कोई वक्त हो, तो सबसे पहले यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में होता है गेस्ट आईडी क्या, कि किसी भी आप जीमेल या एक नए ईमेल जिसमें आपको फ्री फायर आईडी नहीं बना हो उसमें जाकर उस अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे ऐसे ही आपका आईडी गेस्ट आईडी हट जाएगी और वो आईडी आपकी नहीं रहेगी, तो फिर से आप नया आईडी गेस्ट बना सकते हैं। एक तरीका ये हुआ और दूसरा तरीका आपको अलग बताऊंगा मैं कि कैसे करना है, क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे ही करेंगे जो आपका ईमेल आईडी होगा, ईमेल आईडी पर टच करेंगे, जो भी नया होगा उस पर आप जाकर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। करने के बाद में आपका गेस्ट आईडी हट जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपको बता देता हूँ क्या करना है। जैसे ही दूसरा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फ़ोन में जाना पड़ेगा। फ़ोन सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जो भी गेस्ट आईडी है उसको डिलीट करना पड़ेगा। डिलीट करने के बाद में आपको करना कुछ नहीं है, ये आप फ्री फायर को यहाँ से अनइंस्टॉल करना है। अनइंस्टॉल करने के बाद में फिर से आपको दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन हाँ दोबारा इंस्टॉल करोगे तो आपकी आईडी चली जाएगी बट आपका MB खर्च होगी। तो MB के लिए कमेंट करेंगे कि कैसे MB बैठे और फिर से मेरे को यह ना करो, तो मैं बता दूंगा कि कैसे बैकअप लेना है और कैसे क्या करना है। तो यहाँ जैसे मैं गेम को अनइंस्टॉल किया, यहाँ पर फिर आपको देता है गेस्ट आईडी बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर में सिलेक्ट कर देना, गेस्ट आईडी लिख करके उसी पे आपको ओके करके क्रिएट कर देना है। जैसे आप क्रिएट करेंगे आपका गेस्ट आईडी न्यू बन जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं न्यू गेस्ट आईडी बन चुका है, यहाँ पे कंफर्म हो रहा है और रेडी हो रहा है। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।